आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से अट्रैक्टिव कर सकते हो, तो उसके लिए आपका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो वेबसाइट का बहुत अच्छा होना चाहिए कि वेबसाइट जब ओपन हो तो डल कलर्स ना हो, शो ब्राइट कलर्स आप यूज़ करो उसमें। और दूसरा, आपकी जो प्रोडक्ट की डेटा एंट्री है वो इतनी अच्छी हो, इतनी उसमें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इतनी डिटेल्स हों कि वो सेल्स गाय को कॉल करने की ज़रूरत ही ना पेश आए कि जी इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे डिटेल्ड स्पेक्स और डिटेल्ड फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, और पॉसिबल हो जो कि आजकल ब्रांडेड आइटम्स की वीडियोस बहुत इजीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप हर प्रोडक्ट की एक वीडियो खुद बना के या अगर खुद ही बना सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास इन स्टॉक नहीं है, हैंड नहीं है, अब यूट्यूब से उस ब्रांडेड प्रोडक्ट की वीडियो लेके और अपनी वेबसाइट पर उसको इम्बेड कर सकते हो। इसके अलावा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत मैटर करता है आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए या उसको मार्केट करने के लिए। इसके अलावा फीचर्स वाइज आपका जो शॉपिंग कार्ट है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जो आपकी वेबसाइट की कैटेगरीज हैं, जो आपके डिपार्टमेंट्स आप वेबसाइट पे अपने बना रहे हो, ये ना हो कि अगर वो वॉचेस ढूंढ रहा है तो वो डिपार्टमेंट वाइज या कैटेगरी वाइज ढूंढता चला जा रहा है, इजीली उसको एक्सेसिबल हो। जितनी यूज़र फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होगी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी उतना ही आएगा और आपकी सेल भी उतनी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा एक और चीज़ भी, आपके जो कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स आप अपनी वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हो, ताकि जो नया कस्टमर आए और प्रीवियस कस्टमर का जब रिव्यू वो स्टडी करे या वो एक्सपीरियंस जब उसका स्टडी करे, तो वो आपकी समझ लें कि 60-70% आपकी डील वहीं क्लोज हो जाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट का रिव्यू जो है वो भी एक अच्छा फैक्टर है जो आप अपनी वेबसाइट पर एट्रीशन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी इस वेबसाइट का जो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है उसका एक ब्लॉग आपके पास ज़रूर हो उस वेबसाइट का, क्योंकि ब्लॉग की रैंकिंग जो गूगल पे इंडेक्सिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी हो जाती है बनिस्बत वेबसाइट के। तो अपनी वेबसाइट अगर आप ब्लॉग के उस पे हो, वर्डप्रेस पे या blogger.com पे, तो फिर इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर आप PHP पे या ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनाई है तो फिर आप एक अपना ब्लॉग भी ज़रूर साथ साथ मेंटेन करो। और उसके अलावा उस जो वीडियोस, जो प्रोडक्ट की वीडियोस हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, वो भी आप अपने ब्लॉग पे ज़्यादा अपडेट करो, तो उसमें आपकी इंडेक्सिंग ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाती है।